दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनीता जी के किचन में। आज हमारे किचन में बनने जा रहा प्यासी मछली। प्यासी मछली आज हम बनाने वाले हैं और मैं आपको बहुत सारा मछलियों का रेसिपी दी हूँ, जिसमें रोहू मछली है, कौवा मछली है। तो ये प्यासी मछली हमारे गांव में किस तरीके से बनाया जाता है वो मैं आपको बना के दिखाने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से पहले मसाला पीसते हैं, उसके बाद फट शक्कर बनाएंगे प्यासी मछली। यहाँ पे हम मसाला का तैयारी तो कर चुके थे, थोड़ा सा लहसुन कम लग रहा था। ये जी प्यासी मछली है, तो इसमें हम 2 चम्मच सरसों और 2 चम्मच धनिया ले लिए हैं, आधा छोटा चम्मच ये काली मिर्च, 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे जीरा और 3-4 गांठ छोटे छोटे लहसुन है, इसको हम पीसेंगे। बाकी हम पाउडर मसाला डालेंगे, जैसे कि मिर्चा पाउडर हो गया। मिर्चा पाउडर, मिर्चा नहीं पीस रही हूँ, हाथ थोड़ा सा कटा है तो परपराएगा, इसलिए मिर्चा नहीं पीस रही हूँ। और हल्दी भी पीसा हुआ ही डालूंगी। तो ये आप लहसुन सोच रहे होंगे कितना छोटा छोटा है, तो ये ना हमारे खेत का लहसुन है और इसको हम लोग ना ऑर्गेनिक ही रखे थे, खाद वगैरह नहीं दिए थे, तो थोड़ा छोटे साइज का हो गया था ये लहसुन। लहसुन को साफ करके रख लेते हैं पहले। मोटा मोटी हम छिलका इस तरीके से निकाल देते हैं, ज्यादा बारीकी से नहीं निकाल रहे, रफली निकाल दे रहे हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मसाला को हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। तो देखिए मसाला कितना बढ़िया हम चटनी के जैसे पीस लिए हैं। अब इसको हम एक कटोरी में उठा लेते हैं और फटाफट चलते हैं प्यासी फिश बनाने। गिलहरी आके पूरा मक्का खा गई है, कहाँ हो गिलहरी रानी, ये आप के लिए हम रखे थे। ये देख रहे हैं कितना मक्का खाई है, पूरा छिलका छिलका मेरे लिए छोड़ दिए। बरसात के दिनों में लकड़ियां थोड़ा कम सूखा है, इसको हम सुखा लेते हैं। हम कढ़ाई रखते हैं चूल्हे पे। इधर है हमारी प्यासी मछली। प्यासी मछली को धो लेते हैं अच्छे तरीके से, 3-4 पानी धो लेंगे। हमारा 1 किलो है, 1 केजी, अच्छे तरीके से धो लेंगे। मछली को जब भी धोए ना तो अंदर से इस तरीके से कर करके धोए, अंदर से भी इसका अच्छा से धुलाई होना चाहिए, तभी जाके टेस्टी बनेगा।
चार बार धो लिए हैं अच्छे तरीके से। अब इसमें हम हल्दी और नमक लपेटेंगे। एक चम्मच हम हल्दी पाउडर मछली के ऊपर डाल रहे हैं, आधा छोटा चम्मच नमक, और डाल के इसको अच्छा से हम मैरिनेट करेंगे। देखिए कितना अच्छा से मछली हमारा मैरिनेट होके तैयार है। इस तरीके से मैरिनेट कर लीजिएगा, हल्दी नमक अच्छा से मिला लीजिएगा। अब मछली को धोते टाइम सही से इसको इसका जो खाली वाला पार्ट होता है इसको साफ करें। सरसों का तेल में हम बनाएंगे प्यासी मछली। तो जो प्यासी मछली होती है ना, तो इसमें कम तेल डालना पड़ता है क्योंकि उसमें खुद का ऑयल होता है, इसलिए हम तेल ज़्यादा नहीं डालेंगे। अच्छे तरीके से गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा से गर्म हो गया है, मछली को हम फ्राई करेंगे। इस तरह से मछली को अच्छे से हम करारा हो जाने देंगे, उसके बाद हम पलटेंगे। तो जैसे कि प्यासी मछली जो है ना वो बहुत ही मतलब हार्ड होता है, मतलब जल्दी टूटता नहीं है, तो आप थोड़ा सा जैसे कम तेल डाले हैं तो इधर उधर कर सकते हैं ऐसे। ये खुद का ऑयल इसमें से निकलेगा। अच्छा करारा हुआ है, देख रहे हैं। इसी तरीके से हम सारा मछली को फ्राई करेंगे। तो सारा हमारा मछली तल गया है, यहीं पे डालेंगे दो चिटकी मेथी दाना। इसे भून लेंगे तड़का में और उसके बाद हम डालेंगे ये पिसा हुआ मसाला। अनुसार इसमें लाल मिर्ची डालें, एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, कटोरी में एक कप पानी भी हम डाल के डाल देंगे और इसको अच्छा से हम भूनेंगे। तो मसाला को खूब अच्छा से भून के, और बिल्कुल मसाला जो है तेल छोड़ देगा, एकदम सूख जाएगा मसाला, तब तक भूनेंगे। हम कितना अच्छा सब भून लिए हैं, मसाला एकदम तेल छोड़ देना चाहिए। अगर आप मछली में टमाटर खाना पसंद करते हैं तो एक टमाटर डाल लें, हमारे पास आज टमाटर नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ।
चटनी डालेंगे, तो मोटा पतला ग्रेवी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। पालिया है प्यार तेरा अब नहीं खाना। तो दोस्तों पता है मैं मछली बना ही रही थी, बारिश खूब तेज आया हुआ है, अब यहीं पे हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे तरी के हिसाब से। ऑलरेडी मछली में हमारा नमक पहले से ही है, ठीक है, तो ज़्यादा नमक ना डालें। और जैसे ही हमारा ग्रेवी में से तरी में से उबाल आने लगेगा तब हम अपना मछली ऐड करेंगे। वो पानी चटाई भीग गया, सूखने के लिए रखी थी, जितना सूखा ना इतना भीग गया। धार लगवा लो, लकड़ी बचा लो। तो हमारा जो ग्रेवी है उसमें से उबाल आना स्टार्ट हो गया है, तो यही पे हम मछली को डाल लेंगे। मात्र 2 से 3 मिनट जैसे ही हमारा मछली में से खौलक आने लगेगा उबाल, तो हम अपना चूल्हे पर से मछली को उतार के रख देंगे। तो दोस्तों आप अगर रोटी से खा रहे हैं तो थोड़ा गाढ़ा तरी बनाएं, और अगर चावल से खा रहे हैं तो पतला तरी बनाएं। तो मतलब बहुत से दोस्तों को ना अलग अलग फिश पसंद है, आपको कौन सा फिश पसंद है बताइएगा। जैसे कितने लोगों को रोहू पसंद है, कितने लोगों को कतला पसंद है, कितने लोगों को प्यासी पसंद है, हमको तो सारा पसंद है। तो बहुत से दोस्तों को ना ये मतलब, तो आप लोगों में से कितने दोस्त को जैसे कि मछली मतलब बना ली है आज और कल बासी खाने में मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। हमको तो जैसे कि आज बना लिए और कल सुबह खाने में मछली का जो क्या बोलता नहीं है। तो आप लोगों को दोस्तों मैं पूछना चाहूँगी कि आप लोगों को बासी मछली पसंद आता है कि नहीं बताइएगा। हमको तो जैसे आज बना लिए हैं और कल सुबह में खाने में बड़ा मज़ा आता है। हमारा बन गया है, अब इसको उतार लेते हैं और साथ में रोटी या चावल किसी चीज़ के साथ खा सकते हैं। तो मछली जब भी सर्व करें थोड़ा ठंडी हो जाए तब। वाह कितना तेज बारिश आया। कितने दोस्तों का मन कर रहा कि मछली रोटी खाए, जल्दी जल्दी बताइएगा।
तो गर्मा गर्म रोटी बन के तैयार है दोस्तों। जल्दी जल्दी अब हम आप लोगों के लिए मछली परोसते हैं। वाह जबरदस्त। तो देखिए दोस्तों कितना लजीज मछली बन के तैयार है। तो मैं आपको गर्मा गर्म मछली और रोटी। थोड़ा और ज़्यादा दे देते हैं झोल आपको। इधर है रोटी। धनिया पत्ता भी नहीं है बस। और फटाक से कर बना लेती हूँ। फटाक से कर तो दोस्तों हमारा रोहू तो नहीं है, ये प्यासी मछली है और साथ में गर्मा गर्म रोटी चूल्हे का रोटी बन के तैयार है। आपको कैसा लग रहा है बताइएगा और आप इसको ज़रूर अपने घर पे हमारे तरीके से बनाइएगा। बहुत मतलब इजी है, एकदम आसान है। मसाला पीस के चढ़ा दीजिए, मछली आराम से पकता रहेगा। इतना टेस्टी बनता है कि मैं क्या बताऊँ। तो आप एक बार ज़रूर बनाइएगा प्यासी मछली को इस तरीके से। और कैसा लगा हमारा ये देसी तरीका है प्यासी मछली बनाने का। तो फिर हम मिलेंगे एक नई रेसिपी में। जब तक के लिए आप लोग थोड़ा सा चख लीजिए अगर नॉनवेज खाते हैं तो। और जितने भी हमारे वेजिटेरियन दोस्त हैं उनके लिए मैं दूसरे दिन कुछ अच्छा रेसिपी बनाएंगे।